हिंदू बादशाहों को का यह काम था कि मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटते, उनका रेप करते। कि अभी इलिया सेठ बोले कि साहब मजलिस के मुखालिफिन ये शिकायत करते कि आप ज्यादा कांग्रेस को बोलते, बीजेपी को कम बोलते। ये पार्लियामेंट की आप मेरी हर तकरीर उठा कर देख लो, आप पार्लियामेंट की हर तकरीर, हम वक्त की जो हुकूमत है बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी उसके वजीर आजम, सबसे ज्यादा तनखीद अगर पार्लियामेंट में खुली अल्फाज में अगर कोई करता है तो असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील करते हैं। तो इसमें यह मतलब नहीं है, मगर आप ये भी देखेंगे पार्लियामेंट में ना इम्तियाज जलील जाकर मोदी से गले मिले, गले कौन मिले आपको मालूम, जो दौड़ते हुए गए और जाए गले मिल लिए, और जबकि उस वक्त गले मिले जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मोदी के खिलाफ लाया गया था। तो यकीनन हम सबके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि जो सच्चाई है उसको बयान करना बेहद जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि कल एक फंक्शन हुआ, एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जनाब, उन्होंने सावरकर के ऊपर किताब लिखी और सावरकर की से कहा कि ये बातें कहीं, इस पर आप तबसरा करिए। तो सबसे पहली बात, इलिया सेठ साहब आपकी शिकायत दूर कर दे रहा हूं, और कांग्रेस वालों को भी शायद सुन के थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो वजीर दिफा ने ये कहा कि सावरकर ने जो अंग्रेजों को माफीनामे के खत लिखे थे वो महात्मा गांधी के बोलने पे लिखे थे। आप उलेमाए कराम यहां पर मौजूद हैं, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, ये माल्टा की जेल में थे, वो अंडमान की जेल में थे, कोई भी एक खत इनका नहीं बता सकता कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी की भीख मांगी, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अब ये जो मोहतरम है सावरकर, ये जेल में गए 1911 को, कब गए जेल में, जुलाई 4, 1911 को गए। ये जरूरी है बोलना क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो दिखाते टीवी वाले इन्हें एक और भड़काव भाषण गुलगर में दे गए बोल के। तो जुलाई 4, 1911 को उन्होंने जेल में डाले सावरकर को। अब राजनाथ सिंह ये बोल रहे कि महात्मा गांधी खुद उनको ये बोले कि आप अंग्रेजों को एक खत लिखो, मर्सी पिटीशन लिखो, माफी नामा लिखो। मैं राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको यह झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? 4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब, वहां से क्या उन्होंने क्या प्लेन में उड़ के आके बोले या क्या, कैसा है? उतना प्लेन भी नहीं था जब, तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने लंबी छोड़ दी है, अब ये समझे कि हम लोग हमारे कान में फूल है, हम नहीं देखेंगे, नहीं मालूम हमारे को मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं, वो हम तेलुगु में बोलते कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल। ये पहली झूठ इनकी। अब दूसरी बात यह है कि वो हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने एक और माफीनामा लिखे 14 नवंबर 1913 को, और तीसरा लिखे, और महात्मा गांधी भारत को कब आए, जनवरी 9, 1915 को। माने दो खत लिख चुके थे अंग्रेजों को सावरकर। अगर वो अंग्रेजी का खत आपके सामने पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा, तो ये जितने संघ परिवार के लोग हैं आग भिगोला हो जाएंगे, इतनी तारीफ कर रहे अंग्रेजों की, आप ऐसे हैं, आप दरिया दिल हैं, मेरे को माफ कर दो। अरे ये बात बोलते ही नहीं है। हां यकीनन गांधी का खत है, गांधी ने खत लिखा था, गांधी ने खत का जवाब लिखा था, गांधी ने उस खत का जवाब लिखकर ये नहीं कहा गांधी ने अपने जवाब में सावरकर को कि बेटा तू माफी मांग ले जाके, नहीं कहा गांधी ने। गांधी ने खत मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, वो खत है गांधी ने लिखा जनवरी 25, 1920 को, और गांधी इसमें खत में लिख रहे कि आई हैव योर लेटर, आपका खत मिला,
इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, बड़ी मुश्किल है आपको नसीहत का, आपको एडवाइस करना. मैं आपको आई सजेस्ट हाउएवर यू आर फ्रेमिंग अ ब्रीफ पिटिशन सेटिंग फॉर द फैक्ट्स ऑफ द केस, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political. Gandhi unko ye mashwara de rahe ki aap ek petition angrezon ko likho aur jo jurm aapke bhai se hua ye bolo ki wo siyasi jurm tha. I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case. Meanwhile, ane Gandhi kahan bol rahe isme ki maafi mango. गांधी तो यह बोलते थे कि अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है. और मौसूफ को काला पानी में, सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिया उन्होंने पहला. अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा है कि गांधी ने उनसे कहा था. गांधी ने कहा का? गांधी तो January 25, 1920 को खत लिखे, उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे. तो ये अब ये बीजेपी का मकसद क्या है कि सावरकर के बारे में बड़ा अच्छा तारीख में ये भी आया. मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं. 1990 तक बीजेपी सावरकर का नाम ही नहीं लेती थी, हिंदुत्व का नाम भी नहीं लेती थी. ये आडवाणी ने शुरू किया हिंदुत्व और सावरकर 1990 में, उसके बाद से सब शुरू हो गए. अच्छा, सावरकर की तारीख क्या है? सावरकर की तारीख यह है कि सावरकर ने, मैं आपको बता रहा हूं कि सावरकर ने, अब ये हम बीजेपी वालों पे छोड़ देते, आप झूठ है सच है बोलो. सावरकर ने 1900 आजादी मिलने के बाद 1947 में, क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि मैं तिरंगे को नहीं मानता, मैं भगवा रंग को मानता? कहा था सावरकर ने यह बात? तीसरी बात, सावरकर ने यह भी कहा था कि हिंदू बादशाहों को का यह काम था कि मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटते, उनका रेप करते ताकि जंग जीत जाए. चौथी बात, सावरकर ने यह कहा था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से गुलामी को खत्म कराने के लिए भारत के लोगों से बोल रहे थे कि आओ मेरी इंडियन नेशनल आर्मी में आओ, तो सावरकर लोगों को बोल रहे थे नहीं तुम अंग्रेजों की फौज में जाओ. छठी बात, सावरकर ये तारीख में है, ये मैं को अपने दिल से नहीं, उससे नहीं मना रहा हूं मैं. 1939 में कांग्रेस और तमाम मुजाहिदीन आजादी ने फैसला लिया कि हम तमाम अपने अपने वजारत के अहदों से इस्तीफा देते, तो सावरकर लिंगिंग तो वायसराय के पास जाके बोले नहीं हम नहीं देते, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं. 19 सब अच्छा, ये बार बार बोलते मुसलमानों को टू नेशन थ्योरी. अरे टू नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात करने वाला 1937 में सावरकर थे. सावरकर ने कहा कि हिंदू नेशन है और मुसलमान एक कम्युनिटी है. आप बोले, हम नहीं बोले, ना हमको सावरकर से मतलब है, ना जिना से मतलब था, हमारे को ना रहेगा कभी. और आपको मालूम कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तदार में थे उस जमाने में, माने दोनों, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तदार में थे. और आखिरी बात, सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में मुलविस थे. कौन बोले बात ये? महात्मा गांधी के जो कत्ल का मुकदमा चला उसमें सावरकर एक्यूज थे. कोर्ट ने उनको कहा कि इनका जो पीए था सावरकर का, बाजे नाम था, वो जो एविडेंस दिया उसको कानून में क्या है कि कोराबोरेट करना, मैंने सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं बल्कि इलियास सेठ भी बोलना, वो नहीं कर सका. मगर जस्टिस कपूर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर के घर में नमक गांधी के कत्ल की साजिश हुई. आप इनको अपना हीरो मनाते, आप इनको. और अच्छा, ये भी छोड़ो, आप ये भी अगर झूठ रहा तो क्या सरदार पटेल ने नहीं लिखा कि हिंदू महासभा की एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सावरकर के मातहत थी जिसने गांधी को कत्ल किया?
ये सब चीजें हैं और ये आप कर रहे हैं। जब मैं 2004 में पार्लियामेंट को हैदराबाद की आवाम का लाख शुक्रिया, मुझे मुंतखब करके अल्लाह ने भिजाया, 2004 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मैं गया तो जैसा वैसा बैठे हुए सेंट्रल हॉल, यहां पर गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है। आप बताइए कि जिसके कत्ल का मुकदमा उस पर चला, कोर्ट ने बरी किया उनको, मगर इंक्वायरी कमीशन में उनको साबित हुआ कि वो मुलविस थे। यानी गांधी की फोटो एक तरफ, सावरकर की फोटो एक तरफ। तो ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? फिर खुद वजीर दिफा इस तरह की अगर बात करेंगे, और फिर मोहन भगवत आरएसएस के सरसंघचालक बोल रहे नहीं, सावरकर उर्दू बड़ी अच्छी बोलते थे, गजल लिखते थे, उन मुस्लिम दोस्त थे, कहते गजल लिखे तो मुस्लिम दोस्त हो जाते। आज मीडिया वाले में से पूछे मिला, तुम्हारे इनको तारीख नहीं मालूम, महात्मा गांधी के कत्ल का जो FIR था वो FIR भी उर्दू में लिखा गया था, FIR भी उर्दू में लिखा गया था कि मुलजिम एक, मुलजिम दो, दफा 302। सावरकर ने उर्दू से नफरत का इजहार किया था, वो भी रिटर्न है। ये लोग ये समझते कि कोई जानता नहीं, अपनी लंबी लंबी झूठ छोड़ के निकल जाओ, कोई पकड़ेगा नहीं। अरे तो हम जानते ना, थोड़ा बहुत पढ़े, हम भी उलेमाओं की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर हम भी सीखे, हम भी जानते हैं। तो आज इनको आप बना रहे हैं कि उन्हें बड़े वो थे। अरे कहां थे भाई, गांधी के कत्ल में ये थे। सावरकर ने यह भी कहा कि हिटलर ने जो जर्मनी में यहूदियों को खत्म किया वो सही था, क्योंकि यहूदी जर्मनी से अंदर नहीं मिल सके, एसिमिलेट नहीं हो सके। अरे फैसिज्म की तायिद करते थे और आप हमको सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, बीजेपी और संघ परिवार जो कांग्रेस के लोग भी आज सावरकर की तायिद करते हैं, खुल के बोलो नहीं मानते उसको। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व लिखी, हिंदुत्व में सावरकर ने लिखा कि मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके बाबा की जमीन नहीं है, ना इनके लिए ये एक मुबारक सरजमीन है। अंग्रेजी का लफ्ज था कि ना ये फादरलैंड है ना ये होली लैंड है। इनका तो होली लैंड मक्का और मदीना में। अरे मक्का मदीना को नहीं पूछते, मक्का मदीना को हम खुदा नहीं मानते, हम जमीन और आसमान के खालिक को खुदा मानते, ये हकीकत है। मगर ये इनकी किताब में लिखा हुआ हिंदुत्व इनकी किताब है, पढ़ने अगर पढ़ने का मौका मिला तो पढ़िए आप। बाजाबता बोल रहे वो, और ये बोल रहे कि मुसलमानों को यहां पर सर्विट्यूड में रहना पड़ेगा। तो ये कल एक वजीर दिफा रहकर संविधान पर आईन पर ओथ लेकर इस तरह की अगर बातें कोई करेगा तो आप खुद समझ जाइए कि मुल्क किस राह पे जा रहा है। मैं मीडिया से भी कह और आज भी कह रहा हूं कि एक दिन एक वक्त आएगा, इसी तरह की अगर रविश बरकरार रहेगी, इसी तरह की ये नफरत बरकरार रहेगी, तो एक दिन आएगा कि इस मुल्क में बीजेपी संघ परिवार कहेगी कि अब बाबा कौम सावरकर है, गांधी नहीं है, और गोडसे मुजाहिदी आजादी है।